बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। दिस इज़ लेक्चर फॉर क्लास टू सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी विल लर्न प्रेपोजिशन वर्कबुक पेज नंबर 38 एंड 39 एंड वोकैबुलरी वर्ड्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पेज नंबर 37 पे कल हमने प्रेपोजिशन समझे थे कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज़ प्रेपोजिशन? Let's say with me, preposition is a word that shows the position of things. कि preposition ऐसा word होता है जो चीज़ों की noun, person, place की position show करते हैं। For example, on, in, between, behind, near and under. For example, अगर कोई चीज़ जो होती है, जैसे ये बॉल है एंड बॉक्स है, वेयर इज़ द बॉल? इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है, तो उसके लिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होगी? इन। और अगर बॉल बॉक्स के ऊपर हो तो उसके लिए कौन सी यूज़ होगी? ऑन। और नीचे अंडर। और इन टू बॉक्सेस के दरमियान में बॉल है, तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की है? बिटवीन। अगर किसी कोई नॉन पर्सन प्लेस थिंग दो चीज़ों के दरमियान हो तो उसके लिए कौन सा यूज़ होता है? बिटवीन। और सामने, सामने कोई चीज़ हो, जैसे कि ये बॉल है, ये बॉक्स के सामने है, तो इसके लिए यूज़ होगी इन फ्रंट ऑफ। और अगर पीछे हो तो उसके लिए बिहाइंड। तो स्टूडेंट्स, ऑल दीज वर्ड्स आर प्रेपोजिशंस। कि कोई भी चीज़ उसकी कोई पोजीशन शो हो रही हो तो उसको हम क्या, कौन सा वर्ड उसकी पोजीशन शो करता है? प्रेपोजिशन। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 38। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डेट एंड डे। लुक एट दिस पिक्चर एंड से वेयर ईच थिंग इज। कि हमने इस पिक्चर को अपने गौर से देखना है और बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, अपने हर चीज़ की पोजीशन को बताना है। फॉर एग्जांपल, द सोफ़ा इज़ डैश ऑफ डैश द आर्म चेयर। दिस इज़ आर्म चेयर एंड दिस इज़ सोफ़ा। अब आपने बताना है कि ये सोफ़ा जो है, ये इसकी सोफ़ा की पोजीशन क्या है। कि देखिए, सोफ़ा जो है वो आर्म चेयर के बिल्कुल सामने है ना, तो ये यहाँ पे ये प्रेपोजिशन यूज़ होगी, द सोफ़ा इज़ इन फ्रंट ऑफ आर्म चेयर। कि जो सोफ़ा है वो आर्म चेयर के सामने है। अब यहाँ नेक्स्ट है, द बुक इज़ बिटवीन द रेडियो एंड द वाज़ ऑफ फ्लावर्स। कि यहाँ पे दिस इज़ बुक, ये देखें, अब यहाँ पे टेबल के ऊपर बुक है, यहाँ पे रेडियो है, ये यहाँ पे वाज है। अब आपने बुक की पोजीशन हमने बतानी है कि वेयर इज़ द बुक। तो बुक इज़ बिटवीन रेडियो एंड वाज ऑफ फ्लावर्स। कि ये जो बुक है वो टेबल के ऊपर है और रेडियो और वाज के दरमियान में है। क्योंकि जब कोई चीज़ दरमियान में हो तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन कौन सा यूज़ करते हैं? बिटवीन। नेक्स्ट है, द मैगजीन इज़ डैश द टेबल। अब गेस करें, वेयर इज़ द मैगजीन? यस, द मैगजीन इज़ अंडर द टेबल। कि वो टेबल के नीचे है, तो जो नीचे चीज़ होती है उसके लिए प्रेपोजिशन यूज़ होती है अंडर। द मैगजीन इज़ अंडर द टेबल। द बुक केस इज़ डैश द फायर प्लेस। This is bookcase and this is fireplace. अब जो bookcase है वो fireplace के बिसाइड, कि उसकी एक तरफ पड़ी हुई है। ये देखिए, यहाँ पे बुक जो है वो fireplace के एक साइड पे है ना, तो यहाँ पे preposition यूज़ होगी beside. Next है, the book is dash the vase of flowers. कि जो book है वो flower के near, के flower के पास है। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द कैट? कि कैट कहाँ है? यस, कैट जो है वो आर्म चेयर के
पीछे है, तो जब चीज़ पीछे हो तो उसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ होती है? बिहाइंड। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा द कैट इज़ बिहाइंड द आर्म चेयर, कि कैट जो है वो चेयर आर्म चेयर के पीछे है। नेक्स्ट है वेयर इज़ द फिश बाउल, कि फ़िश बाउल कहाँ है? यस दिस इज़ फिश बाउल, द फिश बाउल इज़ अंडर द टेलीविजन। देखें द फिश बाउल इज़ अंडर द टेलीविजन, कि ये टेलीविजन के नीचे वाले हिस्से में है फिश बाउल। तो जो चीज़ नीचे यूज़ होती है तो उसके लिए हम अंडर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज़ द लैम्प, तो लैम्प इज़ टेबल के ऊपर है ना, तो इसके लिए कौन सी यूज़ होगी? ऑन। वेरी गुड, द लैम्प इज़ ऑन द टेबल, द लैम्प इज़ ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द स्मॉल टेबल, वेयर इज़ द स्मॉल टेबल? यस दिस इज़ स्मॉल टेबल, द स्मॉल टेबल इज़, देखें ये सोफे के एक साइड पे है ना, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बिसाइड भी और नेक्स्ट टू भी। नेक्स्ट टू मीन्स कि इनके ये सोफ़े के करीब है, नज़दीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टू की भी प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं और बिसाइड की भी। द स्मॉल टेबल इज़ बिसाइड, अब बिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट टू द सोफ़ा, इन दोनों में से आप एक प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द क्लॉक, यह दिस इज़ क्लॉक, द क्लॉक इज़ ऑन द फायर प्लेस, के फायर प्लेस के ऊपर क्लॉक है। वेयर इज़ द क्लॉक इज़ ऑन द फायर प्लेस। नेक्स्ट वेयर इज़ द टेबल इज़ बिटवीन द आर्म चेयर एंड सोफ़ा, द टेबल इज़ बिटवीन द आर्म चेयर एंड सोफ़ा। तो स्टूडेंट इस तरह हमारी प्रीपोजिशन का ये पेज नंबर 38 सॉल्व होगा। नेक्स्ट पेज नंबर है 39, दिस इज़ होमवर्क पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डेट एंड डे, और यहाँ पे वेयर इज़ द एप्पल ड्रॉ लाइन, कि यहाँ पे उन्होंने एप्पल दिया हुआ है, उसकी पोजीशन है, तो हमने उसकी पोजीशन शो करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर इज़ द एप्पल, तो यहाँ पे टेबल के ऊपर है, तो हम इसके लिए ऊपर हो तो उसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? ऑन। तो हमने ऑन को इसकी पोजीशन को इसके, तो हमने एप्पल की जो पोजीशन है उसको इसके प्रीपोजिशन के साथ हमने मैच किया। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप तो ये फुल पेज जो है वो सॉल्व करेंगे। नीचे है तो उसके लिए कौन सा यूज़ होगा? अंडर। साइड पे है तो आप देखिए कौन सा यूज़ होना है। तो इस तरह आपने इन सारी जो एप्पल्स की पोजीशन है उसको उसकी प्रीपोजिशन के साथ लाइन को ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज द पोजीशन ऑफ थिंग्स, के प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो हमें नोन और थिंग्स पर्सन प्लेस की पोजीशन को शो करता है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम वोकैबुलरी वर्ड्स भी कुछ लर्न करेंगे। स्लेव, स्लेव मीन्स गुलाम। डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स सहरा। अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ। लिक, लिक मीन चाटना। केज, केज मीन्स पिंजरा। फ्री, फ्री मीन्स आज़ाद। तो स्टूडेंट्स आपने इन वर्ड्स को भी लर्न करना है विद स्पेलिंग और इनके मीनिंग्स भी लर्न करने हैं। तो आपने इनको नोटबुक पे भी राइट करेंगे। और एंड पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब आवर स्कूल चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।